नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं कुंभ राशि के सभी दर्शकों का। कुंभ राशि, आपकी राशि का क्या हाल रहेगा 23 मई को हम जानते हैं इस वीडियो में। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज सुबह का संक्षिप्त पांचांग और जानेंगे आपका राशिफल और आज का विशेष और कुछ अन्य उपाय भी। यह जानकारी चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होगी। सूर्योदय होगा 5:30 पर, सूर्यास्त होगा 7:05 पर, तिथि है शुक्ल पक्ष प्रतिपदा और योग है अतिगण। वार शनिवार चंद्र राशि वृषभ अभिजीत मुहूर्त 11:51 एम से 12:45 पीएम तक। राहुकाल रहेगा 8:54 एम से 10:36 एम तक। तो राहु काल में सावधानी अभिजीत मुहूर्त में करने होते हैं शुभ काम। और चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले निशान के बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसके साथ साथ अगर आज आपका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। तो आइए शुभारम्भ करते हैं आज के विशेष की। जब हम जवान होते हैं या उम्र में छोटे होते हैं, यानी जवानी से पहले का वक्त या जवान हो जाते हैं, तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें यही कहते हुए आते हैं, बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा, पीछे रह जाओगे, खेल कूद में क्या रखा है, खेल कूद तो बेकार की चीज़ होती है, इन सब से कुछ नहीं होगा, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, अच्छा जाओ 5 के लिए खेल कर चले जाओ फिर आके पढ़ लेना। यानी स्कूल में पढ़ाई, घर में पढ़ाई, सोते सोते सपनों में भी पढ़ाई, अनेक सपने आपको दिखाने लगते हैं आपके परिवार के लोग, ये बनना है, वो बनना है, ये बनना है तो 12 पढ़ो, ये बनना है तो 8 पढ़ो, वो बनना है तो 16 पढ़ो, ऐसा कुछ प्रेशर बच्चों के ऊपर आप अपने डाल देते हैं और उनको खेल कूद से वंचित कर देते हैं। वैसे भी आजकल का जो माहौल है उसमें फिजिकल एक्टिविटी तो बहुत कम हो गई है, सब कुछ छतों के नीचे हो रहा है, खुले में तो आदमी जा ही नहीं पाता है, और कुछ इस महामारी की वजह से भी हो गया है और आगे इसका भय भी सताएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को या खुद अगर आप बच्चे हैं तो खेल कूद को जरूर करें। अगर आप खेलेंगे नहीं तो आपकी बुद्धि का विकास नहीं होगा। शिक्षा का जो तनाव है उसको दूर करने का एक ही रास्ता है, वो है खेल कूद। और तनाव में पढ़ाई नहीं होती है, तनाव में सिर्फ वक्त गुजारा जाता है, नाटक किया जाता है, दिखावा होता है कि मम्मी का डर है, पापा का डर है, चलो किताबें खोल के बैठे रहो, लाइट चल रही है, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, दिमाग कहीं और है। दिमाग का जो तनाव है वो फिजिकल एक्टिविटी दूर करती है, खेल कूद दूर करता है। अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि आपका बच्चा 12-14 पढ़ाई करे और फिर उसके बाद नींद ले और बाकी जो समय बचा उसमें अपने छोटे मोटे काम निपटाए, तो ऐसा नहीं होगा। उस जो 12-14 की पढ़ाई है उसमें से कुछ वक्त नहीं, बहुत बड़ा वक्त, यानी अगर आप किसी बच्चे को 12 पढ़ाई के लिए कहना चाहते हैं तो उसको कम से कम 2-3 खेलने के लिए भी दीजिए ताकि वो रिफ्रेश हो जाए। जैसे आपका सिस्टम है, कंप्यूटर गर्म हो जाता है तो आप उसे रेस्ट दे देते हैं, पंखा गर्म हो जाता है, एसी गर्म हो जाता है तो उसको 1-1.5 घंटे रेस्ट दे देते हैं, लेकिन यही रेस्ट जब आप खुद को देने की बारी आती है या अपने संतान को देने की बारी आती है तो नहीं देते हैं। कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि पेरेंट्स कहते हैं ठीक है खेलने जाओ, लेकिन खेलते खेलते भी ये वाला पाठ याद कर लेना। तो मैं यही कहना चाहूँगा आज के विशेष में, अगर आप वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां तक आपको पहुंच पाना था तो उसमें खेल कूद की कमी रह गई, तो अपने बच्चों के साथ ऐसा मत करिएगा। हमारे पास जो भी है उसको एंजॉय करना है हमें, हमारे पास जो भी है उसको बर्बाद नहीं करना है, हमारे पास जो भी है जीवन जीने के लिए पर्याप्त है, तो हमें उन्हीं सब में अपने सुंदर भविष्य की कल्पना करनी चाहिए। इस बात को भी ध्यान रखना होगा, हमें बहुत ज्यादा ना ईश्वर से मांगना चाहिए, हमें ना बहुत ज्यादा किसी से डिमांड करनी चाहिए। ये मैं कुंभ राशि वालों के लिए बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि कुंभ राशि वाले अधिकतर प्रेशर में पढ़ाई करके वो सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं जो उन्हें प्राप्त करनी चाहिए। तो खेल कूद का इतना बड़ा स्थान है जीवन में, खेल कूद आपकी पसंद का हो सकता है, आपके बच्चों की पसंद का हो सकता है, तो उन्हें रोके नहीं,
कहीं ना कहीं ये बात आप भी दिल से जानते हैं या जानती हैं। तो मैं फिर यही कहूँगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं फिर आपसे यही कहूँगा कि जिस प्रकार आप अपने घर की चीज़ों को दुरुस्त रखने के लिए उनको आराम देते हैं, कुछ देर के लिए बंद कर देते हैं, तो इंसान को भी रेस्ट चाहिए, उसको भी रिफ्रेश होने के लिए वक्त चाहिए। तो ये वक्त अपने बच्चों को दीजिए, खुद को दीजिए, मशीन नहीं है आप, फिर तो इंसान से अच्छी मशीन है, कम से कम वो कुछ देर आराम तो कर ही लेती है। बात करते हैं आज के राशिफल की। आपका दिमाग बहुत तेज होगा, आपका दिमाग आज नए अच्छे आइडियों से भरा होगा, क्रिएटिव होगा, लेकिन सपनों को सच करने के लिए सपनों को वास्तविकता में बदलना भी आवश्यक होता है। तो इसके लिए सपने मत देखिए, सपने जो देख लिए हैं उनको पूरा करने के लिए मैदान में उतर जाइए। घर का कोई व्यक्ति या कोई करीबी व्यक्ति बुरी आदतों में पड़कर घर के माहौल को ख़राब कर सकता है, आप लोगों के दिमाग में टेंशन दे सकता है, यानी किसी और की वजह से आज आप थोड़े से चिंताग्रस्त हो सकते हैं जो आपका बहुत करीबी होगा। कारोबार लोगों का जो है वो थोड़ा अच्छा नहीं चलेगा, थोड़ी चिंताएं हो सकती हैं, थोड़ा सा आज गड़बड़ रहेगा व्यापार में, व्यर्थ की चिंताओं में आज आपको व्यापार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपको अपने काम में बड़ी समझदारी दिखानी होगी, आपको अपनी माताजी का आशीर्वाद लेना होगा। संपत्ति बनाने के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है, शुभ है, आप कहीं पर निवेश कर सकते हैं, कोई फैक्ट्री, कोई घर, कोई वाहन इत्यादि में भी आप निवेश कर सकते हैं। घरेलू सामान की खरीदारी हो सकती है, वैवाहिक जीवन शानदार रहेगा, आपके खर्चे बढ़ेंगे, आपकी माता जी का आशीर्वाद आपको अनेक मुसीबतों से बचाता हुआ ले जाएगा। अगर कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है, कहीं पे भटक रहे हैं, तो कुछ वक्त ईश्वर को याद करिएगा, एकाग्र होइएगा, माता जी से बात कर सकते हैं। आज आपकी धर्म पत्नी, आपकी माता जी, आपकी बहन या जीवन में कोई भी महिला जो आपके बहुत अहम स्थान रखती हो, आपकी मुसीबतों से आपको बचा सकती हैं। वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध जो हैं आज बढ़िया रहेंगे, लेकिन प्यार से पहले उसमें तकरार होगी, पहले लड़ेंगे फिर बाद में प्यार होगा। आप व्यापार बहुत अच्छा करेंगे, नौकरी बहुत अच्छी करेंगे, खुद को तैयार कर लें आज अचानक से आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए, खुद को तैयार कर लें एकदम से आने वाली मुसीबतों से लड़ने के लिए। आज सब कुछ बढ़िया होगा, सब कुछ शानदार होगा, लेकिन एकदम से जैसे ही काम करने लगे तो अचानक से गड़बड़ हो गई, कुछ मुसीबत आ गई, तो उससे घबराइएगा नहीं, तो थोड़ा बहुत तकलीफ के साथ में आज समय बीतेगा, लेकिन रिजल्ट आपको बहुत बढ़िया मिलेंगे। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा दिन खराब है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि अब ये मुसीबत आ गई, हाय अब क्या होगा, अब काम बढ़िया होगा कि नहीं होगा, निश्चित तौर पे काम बढ़िया होगा। तो आज जो ग्रह सितारे कह रहे हैं कि वो पहले आपको थोड़ा सा डराएंगे और फिर उसके बाद आपका काम बनाएंगे, प्रेम संबंधों में पहले लड़ेंगे, विवाह संबंधों में पहले तूतूमैमे होगी, फिर उसके बाद बहुत अच्छा प्रेम भी होगा। तो कुछ ऐसा दिन बीतता हुआ आज आपका दिखाई पड़ रहा है, तो आज अच्छा है दिन, लेकिन थोड़ा सा संभल कर बिताने का है, घबराइएगा नहीं, और अगर इस क्षण तकलीफ है तो अगले क्षण सफलता भी है, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। और आज हनुमान जी की उपासना खूब जी जोर से करिएगा ताकि कोई भी तकलीफ आपके जीवन में ना आने पाए। हनुमान जी कष्टों को निवारते हैं, हनुमान जी ज्ञात अज्ञात बाधाओं से मुक्ति दिलाते हैं, तो आज हनुमान जी की उपासना आपके लिए बेहद लाभकारी रहने वाली है। और खूब तरक्की करिए, खूब आगे बढ़िए, और मेरी बात को याद रखिए कि अच्छा बनने के लिए, अच्छा पाने के लिए आराम की भी आवश्यकता होती है, रिफ्रेशमेंट की भी आवश्यकता होती है। तो उसी प्रकार आप खुद और अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे, ताकि जो आपको नहीं मिला उनको मिल जाए, और देर अभी नहीं हुई है, आप अभी भी बहुत कुछ पा सकते हैं। हरिओम, नमस्कार।